सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है? सभी साइड्स इक्वल होते हैं। हम सपोज करो एक्स मान लेते हैं, इसे एक्स और इसे भी एक्स मान लेते हैं। ये लेंथ टोटल जो है एक्स है। अब यहाँ पर ये एंगल जो है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहाँ भी 60 डिग्री का है। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ से ये अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो ये टोटल हमारा एक्स है। तो इधर जो हमारा हो जाएगा, ये हाफ जो है, ये पार्ट जो है, ये नीचे का साइड जो है, ये कितना हो जाएगा, एक्स का हाफ हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये भी 60 डिग्री टोटल था, तो 30 डिग्री अब इधर हो जाएगा, ठीक है? और 30 डिग्री इधर डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में। अब इसमें से हम क्या करते हैं, हमें तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के फाइंड करने थे। इधर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ पर जो है, इसे हम इस ट्राइंगल को, किसी एक पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। अगर सपोज करो हमें इस पार्ट को अलग करना है तो इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग करना है तो इसको अलग कर सकते हैं। अब इसमें से एक पार्ट हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर से जो है इसको थोड़ा इधर ड्रॉ करके और बताते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है? ये इधर हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर तो ये साइड जो है, इधर का हमने एक्स सपोज किया था और ये एंगल 60 हमारा था। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो तीनों एंगल जो है इक्वल होंगे 60 60 के, साइड भी इक्वल होंगे। और ये जो साइड था इसका हाफ था, ये 90 डिग्री एंगल है। सपोज करिए हम ए बी सी ट्राइंगल मान लेते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पर तो ये साइड तो हमें नहीं पता है ना। अब ये साइड नहीं पता तो इस साइड को हम फाइंड करेंगे। हमें पता है ये जो पाइथागोरस प्रमेय वाला थ्योरम जो आपको बताए थे, तो वहां पर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर से हाइपोटेनस हमारा क्या है, एस स्क्वायर है, और बाकी टू साइड इसको हम ए बी ले लेते हैं, ठीक है? तो ए बी का स्क्वायर और प्लस एक्स पावर में टू है तो एक्स पावर टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पर से जो है हम ये साइड्स निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, प्लस में ये एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर हो गया, ठीक है? अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं, ठीक है? यह हमारा क्या था, ये एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर था, इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं इधर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, क्लियर है? यहाँ से ए बी का स्क्वायर जो होल स्क्वायर है, ठीक है? और यहाँ बाई वन मार के हमें उसकी हम लेके कर लेते हैं, यहाँ फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन फोर हो गया, क्लियर है? अब यहाँ पर से हमारे पास ए बी का होल स्क्वायर इतना है। अब यहाँ पर से स्क्वायर अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पर से स्क्वायर को अगर हटाएंगे इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, ये थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर हो गया, ठीक है? थ्री का जो है रूट नहीं होगा तो थ्री रूट में ही रहेगा, ठीक है? ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स बन जाएगा, और फोर का रूट कितना होता है, टू होता है, क्लियर है? ये हमारा ए बी का वैल्यू निकल गया, ये हमारा ए बी का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास ए बी का ये वैल्यू आ गया, रूट अंडर थ्री अपॉन में टू एक्स, क्लियर है? अब यहाँ पर से तीनों साइड हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर से जो है ये एंगल हमारा कितना था, 30 डिग्री था, क्योंकि हम आपको यहाँ डिवाइड करके बताए ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर है? यहाँ 30, यहाँ 60। अब हम क्या है, सारे 60 वाले और 30 वाले जो है एंगल हम फाइंड कर लेंगे कि साइन में क्या होता है, कॉस में क्या होता है। तो यहाँ पर से हम देखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ 30 डिग्री हमने लिया है तो पोल हमारा ये हो, क्लियर है? और बेस हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो पोल हमारा क्या है, एक्स अपॉन में टू, और फिर हाइपोटेनस हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है? और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, हम वन सपोज कर लेंगे, इसे नेक्स्ट आगे हम थोड़ा करते हैं, एक्स अपॉन में टू हो जाएगा, और ये इतना पार्ट डिवाइड में है तो इधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो वन अपॉन में एक्स हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई में करते हैं, नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे हो जाता है, ठीक है जी? तो यहाँ से साइन हमारा 30 डिग्री कितना निकल गया, साइन 30 डिग्री इक्वल टू वन अपॉन में टू आ गया, क्लियर है? इसी तरह से कॉस 30 डिग्री निकालते हैं, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस होता है बी अपॉन में एच, हमारा बी ये है और एच ये है, तो
है रूट अंडर थ्री अपॉन में टू एक्स अपॉन में एच हमारा क्या है एक्स है, क्लियर है? तो डायरेक्ट यहाँ से काट दोगे तो रूट अंडर थ्री अपॉन में टू आ गया, क्लियर है? आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, ये देखो ऐसे भी करेंगे कि रूट अंडर थ्री अपॉन में टू इंटू एक्स, ये बाय वन मान लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वन अपॉन में एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट अंडर थ्री अपॉन में टू, क्लियर है? अब यहाँ पर से टेन थर्टी डिग्री निकालते हैं, टेन थर्टी डिग्री, टेन थर्टी डिग्री क्या होता है पी अपॉन में बी होता है, पी हमारा ये है तो एक्स अपॉन में टू हो गया और बी हमारा क्या है रूट अंडर थ्री अपॉन में टू एक्स, क्लियर है? ये हमारा डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में? तो न्यूमरेटर में जो है इसे हम ये लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो है ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा रूट, ये रूट वाला पार्ट जो है ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, टू अपॉन में क्या हो जाएगा रूट अंडर थ्री एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास बचा वन अपॉन में रूट अंडर थ्री। नेक्स्ट हम निकालते हैं कॉसेक का, कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है, सिंपल सी बात है कॉसेक 30 डिग्री एच अपॉन में पी होता है, एच हमारा ये है पी हमारा ये, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स अपॉन टू। अब इसके पास तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, इसके पास नहीं है तो सपोज कर लेंगे एक्स अपॉन में वन, ठीक है, मल्टीप्लाई टू अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास बचा टू अपॉन में वन बचा, ठीक है, नीचे का वन का यहाँ वैल्यू नहीं होगा क्योंकि हम जब चाहे रिटर्न कर सकते हैं, हाइड हो गया, ठीक है ना, तुम्हारा टू बचा क्योंकि वन से डिवाइड करोगे टू को तो टू ही आएगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हमारा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक हमारा होता कितना है एच अपॉन में बी होता है, एच हमारा ये है बी हमारा ये, तो एच हम एक्स लिख लेते हैं और बी हमारा क्या है रूट अंडर थ्री एक्स अपॉन में टू, ठीक है। अब यहाँ पर से ये ऊपर वाले जो है ये एक्स जो है इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो वन मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर से टू अपॉन में रूट अंडर थ्री एक्स लिख लेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा रूट अंडर टू अपॉन में रूट अंडर थ्री बचेगा, क्लियर है? अब यहाँ पर से नेक्स्ट हम निकालते हैं कॉट थर्टी डिग्री, कॉट थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है कॉट थर्टी डिग्री जो है आपका कॉट होता है कितना है बी अपॉन पी होता है, बी हमारा ये है पी हमारा ये, तो बी हम ले लेते हैं रूट अंडर थ्री एक्स अपॉन में टू और अपॉन में एक्स अपॉन टू, यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट अंडर थ्री एक्स अपॉन में टू और टू अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा रूट अंडर थ्री, क्लियर है स्टूडेंट? आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, अब इसको हम रब करेंगे, ठीक है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री फिर से हम करेंगे, अब ये 60 डिग्री एंगल गया तो पी हमारा ये हो गया और बी हमारा ये हो गया, साइन 60 डिग्री अब ले गया तो पी अपॉन में क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर थ्री अपॉन में टू एक्स अपॉन में एक्स और ये एक्स तक एक्स कैंसिल हो गया, हमारा रूट अंडर थ्री अपॉन में टू एच गया, क्लियर है? कॉस 60 डिग्री ये हमारा होता है बी अपॉन में एच, तो बी हमारा ये है एच हमारा ये है, तो एक्स अपॉन में टू अपॉन में एच, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन में टू इंटू वन अपॉन में एक्स, ये बाय वन मान लेंगे ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर से हमारा एक्स एक्स कैंसिल हो गया वन अपॉन में टू हमारे पास बचा, क्लियर है? टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री हमारा यहाँ पर टेन क्या होता है पी अपॉन में बी होता है, पी हमारा क्या है ये है और बी हमारा ये, ठीक है, तो पी हम लिख लेते हैं अपॉन में टू इंटू एक्स और अपॉन में एक्स अपॉन टू, क्लियर है? रूट अंडर थ्री एक्स अपॉन में टू इंटू टू अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल टू से टू कैंसिल इक्वल टू रूट अंडर थ्री बचा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉसेक 60 डिग्री दिखते हैं, कॉसेक 60 डिग्री, अब कॉसेक कितना होता है एच अपॉन में पी होता है, एच हमारा क्या है एक्स है और पी हमारा रूट अंडर थ्री एक्स अपॉन में टू है, क्लियर है? एक्स अपॉन में वन मान लेंगे, ठीक है, टू अपॉन में रूट अंडर थ्री एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो गया टू अपॉन में रूट अंडर थ्री बचा। नेक्स्ट जो है हमारा सेक हो गया, सेक 60 डिग्री,
सेक 60 डिग्री, सेक कितना होता है एच अपॉन में बी होता है, एच हमारा एक्स है और बी हमारा एक्स अपॉन में टू है, क्लियर है। तो यहाँ पर से एक्स अपॉन वन मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ टू अपॉन में एक्स हो जाएगा, कैंसिल इक्वल टू टू अपॉन में वन इक्वल टू टू, क्लियर है। नेक्स्ट जो है कॉट निकालते हैं, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री कितना होगा, सिंपल सा ये होता है बी अपॉन बी, तो बी हमारा ये है, बी हमारा एक्स अपॉन में टू और फिर रूट अंडर थ्री एक्स अपॉन में टू, यहाँ से हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्स अपॉन में टू इन टू टू अपॉन में रूट अंडर थ्री एक्स, एक्स एक्स कैंसिल टू से टू कैंसिल, इक्वल टू हमारा क्या बनेगा वन अपॉन में रूट अंडर थ्री, क्लियर स्टूडेंट। आपको 60 डिग्री समझ में आ गया, 30 डिग्री समझ में आया, अब 45 डिग्री हम बताएंगे कि उसका कैसे फाइंड करें, क्लियर है, क्लियर है। आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस, आइसोसेलस का मतलब जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, अब इसमें से आइसोसेलस है तो इसके टू साइड इक्वल है ये और ये, क्लियर है। अब एक 90 डिग्री इसमें, 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, अब इसमें जब ये 90 डिग्री है और ये दो साइड इक्वल है तो सिंपल से बात है तीनों एंगल मिलाकर कितने होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं मिलाकर, टोटल 180 होता है। अब यहाँ पर 90 तो यही हो गया, अब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब एंगल भी इक्वल यहाँ होगा 90, तो यहाँ पर जो बचा 90 का कितना 45 इधर बनेगा और 45 इधर बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर से इस साइड को हम x सपोज कर लेते हैं, इसे भी x सपोज कर लेते हैं, तब यहाँ x ये है x ये है, ये हमें हाइपोटेनस नहीं होता था, हाइपोटेनस हम फाइंड कर लेते हैं, क्लियर है। यहाँ से ये ए बी सी सपोज करो हम ट्राइंगल का ये कुछ वर्टिस का नाम दे देते हैं, यहाँ पर से जो है हमें ए सी का स्क्वायर निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर कितना निकलेगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर है। तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर से ए सी का यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा रूट अंडर टू और एक्स का एक्स स्क्वायर का जो हो जाएगा एक्स हो जाएगा रूट, हाँ ए सी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया रूट अंडर टू एक्स। अब यहाँ पर से हम जितने भी हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो उसके हम 45 डिग्री का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर से साइन 45 हम लिखते हैं, साइन 45, साइन क्या होता है पी अपॉन में एच होता है, पी हमारा ये एक्स और रूट अंडर टू एक्स कैंसिल इक्वल टू वन अपॉन में रूट अंडर टू, कॉस 45 निकालते हैं, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू हमारा बी अपॉन में एच होता है, बी हमारा एक्स है और एच हमारा रूट अंडर टू एक्स है, कैंसिल इक्वल टू वन अपॉन में रूट अंडर टू, टेन 45 निकालते हैं, टेन 45 बी अपॉन में बी होता है, बी हमारा क्या है एक्स है और बी भी हमारा एक्स है। अब कहोगे आप कौन सा एंगल ये है आप पोल और बेस, तो सिंपल से आप ये अगर एंगल लेना चाहते हो तो पोल ये हो जाएगा बेस ये हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आप किसी भी एक एंगल को लेकर आप कर सकते हो, तो हमने ये एंगल सपोज कर लिया तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया कितना हो गया वन। इस तरह कॉट का निकालते हैं, कॉट 45 डिग्री इक्वल टू ये भी बी अपॉन में एच होगा, बी हमारा एक्स है और पी हमारा एक्स है, ये कैंसिल हो गया, हाँ बी अपॉन में पी होता है ये कैंसिल हो गया, ये हमारा वन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, अब sec कितना होता है h अपॉन में b होता है, h हमारा कितना है रूट अंडर टू x अपॉन में, हाँ और b, तो b हमारा क्या है x है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया कितना हो गया रूट अंडर टू cosec 45 डिग्री, cosec कितना होता है h अपॉन में p होता है, h हमारा कितना है रूट अंडर टू x अपॉन में हमारा एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल इक्वल टू रूट अंडर टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 45 कैसे और 30 और 60 जो है प्रूफ करेंगे एंगल, क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन इसके ऊपर जो किस तरह से हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमें सॉल्व कैसे करना है, क्लियर है। तो सबसे पहला काम है स्टूडेंट कि हमें जितने भी एंगल है इस सब एंगल को जो है लर्न करना है, और एंगल को जब एक बार हम लर्न कर गए तो सिंपल से इसके बेस पर कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हो। सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करना होता है और कुछ नहीं है, जो वैल्यू है आपको एक बार मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइज करने के बाद जो अच्छे से आपको याद हो जाएगा तो आप वैल्यू पुट करोगे